नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रफ्तार भारत में। क्या आपको ऐसा लगता है कि अक्षरा सिंह बन चुकी है पवन सिंह के लिए सबसे बड़ी रुकावट? जी हाँ, हमने कुछ रिसर्च करा इंटरनेट पे, उसके बाद एक रिपोर्ट बना रहे हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो पूरे रिपोर्ट को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, आपसे निवेदन है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रफ्तार भारत को, पाएं राजनीति और मनोरंजन की खबर सबसे पहले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, घंटे के आइकन को दो बार जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी के लिए एक अच्छे रिपोर्ट लेके आए हैं। उससे पहले हम यही कहेंगे कि हमारे वीडियो के नीचे देखिए लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए और वीडियो पे कुछ अच्छा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या दोस्तों आपको लगता है कि अक्षरा सिंह के चलते पवन सिंह जी का स्टारडम में कुछ चेंजिंग आया है? बहुत लोगों का ऐसा मानना है इंटरनेट पर कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के कुछ स्टारडम में गिरावट पैदा कर दी। ये पता है पवन सिंह जी आज बड़े बड़े रियलिटी शो में बुलाने के बाद भी क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा लोगों का कहना है कि अक्षरा सिंह ने इतना बदनाम कर दिया है पवन सिंह जी को कि पवन सिंह जी अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पवन सिंह जी का इंडियन मीडिया पे थूथू हो गया है। अब बड़े बड़े मीडिया वाले भी अक्षरा सिंह के बात मानकर पवन जी को इन्वाइट नहीं करते हैं। तो इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी रूमर्स ये सब फैलते हैं अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेके, इसमें तो आधे झूठ होते हैं और आधे सच। और सवाल रहा पवन सिंह को बड़े बड़े शो में बुलाने का और बड़े बड़े मीडिया चैनल पे बुलाने का, तो दोस्तों पवन सिंह इतने बड़े स्टार हैं कि पवन सिंह के पास समय नहीं है। आपको बता दूं कि पवन सिंह करीब करीब 2021 तक बुक हो चुके हैं। एक ऐसे स्टार है कि 2020 नहीं 2021 तक वो बुक हो चुके हैं। मतलब उन लोग उनके साथ फिल्म करने के लिए पूरा लाइन लगा के रखते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आप पवन जी के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं, आप प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो पवन जी का आप जब डेट लेने जाएंगे पवन जी के पास, तो पवन जी आपको इतना बिजी हैं कि उनके डेढ़ साल का शेड्यूल अभी से बन के रेडी है कि कब वो क्या करेंगे। तो उनके पास इतना समय नहीं है कि जाके कोई इंडियन मीडिया चैनल पर जाएँ, अपना प्रमोशन कराएं। दोस्तों प्रमोशन उनका होता है जिनके, मतलब समझ लीजिए, जिनके पास काम नहीं है, जिनको भोजपुरी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री में काम नहीं मिलती है, और इसके जरिए वो कोशिश करते हैं कि दर्शकों के बीच में बने रहे। लेकिन जो एक्टर के पास इतना ढेर सारा काम है तो वो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। और कुछ ऐसी, मतलब बोल सकते हैं कि YouTube पर चैनल से हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूज के सोर्स है जो कि अक्षरा सिंह के मामले को भड़का कर पवन सिंह को बदनाम करना चाहती है। हालांकि मैं बता दूं कि पवन जी एकदम एक सही व्यक्ति हैं और उनका स्टारडम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये आपको बता दूं कि गाने से ही प्रूव होता है। हाल फिलहाल में ही पवन जी का एक नया गाना एकदम रिकॉर्ड बना दिया, सिर्फ 6 घंटे में 1 मिलियन गया था, आपको याद होगा, जो गाने का टाइटल था बदनाम कर दोगी, और वो गाना अक्षरा सिंह पवन सिंह जी के ऊपर ही था। तो दोस्तों पवन जी के फैंस को तो ये कहना है कि वो पवन सिंह एकदम और भी ऊपर चले गए हैं इस मामले के बाद, और हमें भी ऐसा लगता है कि पवन सिंह के स्टारडम में बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपका भी कमेंट, आपका भी राय, आपका भी एडवाइस हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा होगा। रफ्तार भारत से रिपोर्टिंग।